यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की केत कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। श्री शिवा नमस्तु। आप सभी को आज भाई दूज की यम द्वितीया की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत साधुवादता बधाइयां। कार्तिक महीने की शुक्ल पक्ष की ये पावन द्वितीया तिथि, जिसको यम द्वितीया भाई दूज भी कहते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार बहन और भाई के प्रेम की उदारता को प्रकट करने वाली, वात्सल्यता को प्रकट करने वाली, प्रेम को दर्शाने वाली दो त्योहार हिंदू धर्म में बहन और भाई के लिए प्रबल हैं। पहला श्रावण के महीने में पड़ने वाली श्रावण की पूर्णिमा, जिस दिन रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ये त्योहार भी भाई और बहन को समर्पित है। और दूसरे नंबर का ये पावन त्योहार जो दीपावली के गोवर्धन पूजन के बाद में दीपावली के दूसरे दिवस में मनाया जाता है, द्वितीय दिवस में मनाया जाता है, जिसको यम द्वितीया कहते हैं, जो यम की कैद से छुड़ाने वाली है। बहन और भाई का संबंध क्या है? केवल एक यमुना मैया और यमराज से ही हमें सीखना नहीं है, हमें भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी शिव और माता छिप्रिया से भी सीखना है। भैया आए, क्या बात है? बहन यमुना क्या चाहती हो? यमुना जी कहती है, भैया आपको निमंत्रण देने आई हूँ, आपको आना पड़ेगा मेरे। ठीक है, दोनों भाइयों ने यमराज और शनि महाराज ने विचार कर लिया कि बहन के घर जाना है। सालों से बुलाती बुलाती थक गई थी यमुना मैया, पर नहीं आए। रोज निमंत्रण करती थी, नहीं आए। पर आज जो निमंत्रण दिया गया है, आज जो निमंत्रण करा गया है, वो निमंत्रण यमुना जी ने दोनों भाइयों को बुलाने के लिए किया गया। आइए, और आए शनि महाराज और यमराज स्वयं पधारे ब्रजराज में, ब्रज की भूमि पर, ब्रजमंडल में। जैसे ही भोजन करने के लिए बैठे, बहन ने तिलक करा, तिलक करा तो यमराज पुकार कर बोले, शनि महाराज और यमराज जी बोल, तुझे क्या चाहिए? इतने में यमुना जी की आंख से अश्रु की धार बह रही, अश्रु की धार। महाराज, एक भाई की पूंजी, एक बहन की पूंजी ही प्रेम है, स्नेह। अश्रु की धार बह रही है, मांग बहन क्या चाहिए? यमुना जी कहती हैं, बस भैया कृपा कर दे, दोनों भाई से एक ही वर मांगती हूं, जो यम द्वितीया के दिन इस यमुना जी के जल में स्नान करेगा वो सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा। यमराज कहते, तू इतना सा मांगती है, यमुना मैं तुझे वर देता हूं, यम द्वितीया के दिन जो भाई अपनी बहन के हाथ से मस्तक पर भाल पर तिलक करवाएगा वो यम की केत कभी नहीं जाएगा, ये वचन देता हूं तुझे। शनि महाराज ने कहा, बहन मैं तुझे वर देता हूं, वचन देता हूं, जो यम द्वितीया का तिलक अपने मस्तक पर धारण करेगा, यम द्वितीया के दिन जो बहन के घर का भोजन ग्रहण करेगा, उसको कभी ना साढ़े साती लगेगा, ना कभी ढैया लगेगा। जो बहन के घर का यम द्वितीया का एक निवाला भी ग्रहण कर लेता है, उसे ना कभी साढ़े साती सताता है, ना कभी ढैया शनि सताता है। मैं तुझे वर दूं, आज वही यम द्वितीया की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। माँ यमुना आपके जीवन का कल्याण करे, और दीपावली की जो 5 दिवसीय पूजन आप कर रहे हैं, उसमें जो पूजन आपने थाली में रखकर करी है,
जिसमें दो सिक्के चांदी का और अपना सादा सिक्का रखकर उसको बांधकर जो पूजन करी है, उसी थाली में वापिस आज एक कमलगट्टा, एक हल्दी की गठान, एक अमरबिल का टुकड़ा और घी के 5 दिए लगाइए। माता लक्ष्मी को पूजन कर कर कंकु रौली हल्दी मौली चंदन चावल मेहंदी अबीर गुलाल लाल पुष्प